नाम आपका? मेरा नाम राहुल सिंह अम्बेडकर है सर। राहुल सिंह अम्बेडकर जी। राहुल अम्बेडकर जी, आप लोग यहाँ क्यों आए पार्लियामेंट स्ट्रीट पे? पार्लियामेंट स्ट्रीट पे सर हम इसलिए आए क्योंकि जो हमारा जो संविधान के हिसाब से जो एससी एसटी का पहले मुकदमा हो जाते थे, हमारे लोग कई बार पिट जाते तो हम तुरंत एक्शन ले लेते थे, उन पर एससी एसटी में मुकदमा दर्ज कर देते थे और वो लोग भी इस चीज़ से भय खाते थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर होता था कि कानूनी शिकंजे में फंस जाएंगे और हम आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और आज हमारा वो भी अधिकार इस सरकार ने, मैं बीजेपी सरकार की ही बात करूंगा और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के कहने से चल रहा है, उन्होंने वो अधिकार भी हमारा छीन लिया है। ये हमारे लिए बहुत दुखदपूर्ण बात है और बहुत ही दुख भरी बात है क्योंकि आगे हम इसके साथ कैसे, किसको कभी भी कानून के तरफ से कार्रवाई कैसे करेंगे, किस मसौदे में करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से तो कानून हमारे बिल्कुल साथ ही नहीं है, ना ही इस देश का संविधान जो था हमारे साथ वो भी हमसे एक एक करके छीन लिया जा रहा है। सर राहुल जी, मतलब एक तरफ पिटाई भी करवाएं, पिटाई भी हो, दर्द भी सहें, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं है। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ सर, जहाँ हमारे लोग कई बार पिट जाते थे, कोई आप पहले तो हम संविधान के सहारे से उनके ऊपर एससी एसटी का मुकदमा भी कर देते थे, आज हमारे पास वो भी अधिकार नहीं है सर। पहली बात तो पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुआ और लागू नहीं हुआ इसे तुरंत ही खत्म कर दिया आलन पालन में। जी बिल्कुल, ये अभी के अभी इन्होंने, जब से बीजेपी की सरकार है, दिन पे दिन सर ये क्राइम होते जा रहा है, हमारे एससी एसटी लोगों को सताया जा रहा है। आज आपको पुलिस मतलब क्यों लाई यहाँ पर, क्या कारण था? सर हम शांति पूर्वक एक प्रदर्शन कर रहे थे आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वहां से हमें बोल दिया गया कि आप यहाँ एक तो प्रदर्शन नहीं कर सकते और जैसे कि बोलते हैं कि हम आजाद हैं और इस आजाद भरे देश में हमें यह भी अधिकार नहीं है कि हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर सकें, और हमें वहां से मारपीट कर भगा दिया गया, घसीट कर हमें थाने इसमें बंद कर दिया। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऐसे कुछ लोग हैं, मेरे मित्र साथी हैं जिनके हाथों में इधर उधर लगी भी और काफी इंजर्ड भी हैं। जी सर, तो आप युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी? युवाओं की यही भागीदारी है सर, जब मैं आ सकता हूँ और जो आंदोलन यहाँ तक लेके आए और जो एससी का इसको एक्ट को जो बंदा लेके आया, उसकी देखने वाली बात है कि सर हमारे जो लोग हैं उनके चार हाथ पैर वो उसमें एक ही दिखे कि वो एक विकलांग व्यक्ति इस आंदोलन को ग्वालियर से लेके दिल्ली के संसद तक आ लिया है और हमारे खुद के दिल्ली के लोग बिल्कुल जगने को तैयार नहीं है। मैं उन सबको भी एक ही अपील करना चाहूँगा कि जयचंद मत बनो, इतिहास पढ़ो और अभी दोबारा भी पढ़ो और आपको आगे ही आना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा ये सरकार में।